अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज बरोज जुमा एक सड़क हादसे में तकरीबन 16 कॉलेज के तलबा व तालिबात 36 जख्मी हुए। यह वारदात भूतरामट्टी पार्क के करीब हुई। इत्तला के मुताबिक DY पाटिल एग्रीकल्चर कॉलेज कोल्हापुर से धारवाड़ यूनिवर्सिटी के लिए गए थे, जो रानी चन्नम्मा चिड़ियाघर के पास रुके हुए थे। तभी दूध की टैंकर ने ठोकर मारी, जिसकी वजह से 16 तलबा व तालिबात जख्मी हुए। इन्हें फौरन बेलगाम भीम्स में दाखिल किया गया और अब वो जेर इलाज हैं। खमकारहट्टी में जानवर को चारा डालते वक्त सांप के काटने से महक मोहम्मद अली खतीब उम्र 16 साल की लड़की की मौत हो गई। महक के वालिद मोहम्मद अली खतीब ने जानवरों के लिए चारा खेत से लाया। जहरीला सांप उसी घास में छिपा हुआ था। शाम 6 बजे जब महक जानवरों को चारा डालने के लिए गई तो सांप ने काट लिया। घर वालों ने फौरी तौर पर महक को अस्पताल ले गए, लेकिन महक का इंतकाल हो गया। महक खतीब के इंतकाल से घर वाले सदमे में हैं। ईद के करीब इस तरह की वारदात से खमकारहट्टी में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बेलगाम शहर में MP जगदीश शेट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अवामी मसाइल का जायजा लेने की शुरुआत की है। कल सहाफियों से मुखातिब होते हुए MP जगदीश शेट्टर ने कहा कि कुछ मुखालिफ पार्टी के लोगों ने भी हमें खामोशी के साथ मदद की है। ऐसा कांग्रेस का नाम न लेते हुए बताया। बेलगाम हलके से कामयाब होने में मुखालिफ पार्टी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, ऐसा जगदीश शेट्टर ने कहा। इनके इस बयान के बाद पहले से ही कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे पर इल्जाम का दौर जारी है, जिसमें और एक इजाफे के इम्कान हो सकते हैं, ऐसी चर्चा शहर में देखी जा रही है। आज MP जगदीश शेट्टर ने DC दफ्तर में नई हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को लेकर मीटिंग तलब फरमाई थी, पर अक्सर अफसरान को फेसबुक इंस्टाग्राम पर ही मसरूफ होने का नजारा यहां देखने को मिला। अफसरान में किसी तरह की संजीदगी नजर नहीं आ रही थी। जगदीश शेट्टर और DC की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग को कितना संजीदगी से अफसरान लेते हैं, इससे भी जाहिर होता ऐसा दिखाई दिया। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन दिन मनाया गया, इसे लेकर स्ट्रीट प्ले का एहतमाम भी किया गया, जिसमें खून का अतिया करना कितना जरूरी है और कुछ खून की बूंद इंसान की जिंदगी कैसे बचा सकती है, इसे बताया गया। बढ़ते सड़क हादसों के चलते जख्मियों को खून की जरूरत पड़ती है और जिंदगियां खून लेकर ही बचाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंसानी आजा तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन साइंस आज भी उस हद तक तरक्की नहीं कर पाया जो खून को आर्टिफिशियल तौर पर बनाया जा सके। लिहाजा खून का अतिया यानी इंसान अपना ब्लड डोनेशन देकर ही किसी की जान बचा सकती है, इस तरह का पैगाम दिया गया। चालू आहे रक्तदान रक्तदान, कळत नाही तुम्हाला कोण चालू आहे माझा, शांत बसा थोडा। अंजू काय झालं, अंजू कोणीतरी बोलवा प्लीज, लवकर बाबा खानापुर के लबीब शेख, जो सामाजिक खिदमतगार है, इन्होंने वर्ल्ड ब्लड डोनेशन के मौके पर 50वीं बार अपने खून का अतिया दिया। वाजा रहे कि लबीब शेख ने जहां भी खून की जरूरत होने की इत्तला सुनी वहां पहुंचकर ब्लड डोनेशन किया, जिसके लिए इनकी सराहना की जा रही। 17 तारीख को ईद कुर्बान मनाई जा रही है। आज अंजुमन बेलगाम की जानिब से नमाज जुमा की ईद की नमाज में ऐलान किया गया कि ईदगाह मैदान में ईद उल अदहा की पहली जमात ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। कुछ अहम ऐलान भी किए गए, खासकर जानवरों को लेकर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल न करना, कुर्बानी के वीडियोज भी शाया न करने की हिदायत दी गई।
ईद कुर्बान के मौके पर कुछ शरपसंद अनासिर सरगर्म हो सकते हैं। जानवरों को लाते वक्त एहतियात बरते और जरूरत पड़ने पर पुलिस से राबता करें। हासिल इत्तला के मुताबिक खानापुर रोड, नेसरगी रोड, हाईवे हलगा रोड, वंटमुरी रोड पर शरपसंद अनासिर हरकतों को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा दो दिन एहतियात बरतने की कोशिश करें। ऐसा भी जिम्मेदारान की जानिब से कहते हुए देखने को मिला। कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम और कुर्बानी की जगह को भी साफ सफाई रख कर सफाई का ख्याल रखे, ऐसा भी जिम्मेदारान ने बताया। बेलगाम शहर को वैसे भी कर्नाटक की दूसरी राजधानी कहा जाता है। बेलगाम का हवाई अड्डा कर्नाटक के सबसे मसरूफ तरीन यानी कि तीन मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार है। हुबली और कोल्हापुर से भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए सहूलत बेलगाम से ही हासिल होती है, लिहाजा टर्मिनल दो की तामीर का काम शुरू हुआ है, जिसका जायजा MP जगदीश शेट्टर ने लिया। बेलगाम शहर में ट्रैफिक का अहम मसला बनता जा रहा है। पार्किंग से लेकर पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और जगह जगह पर बैरिकेड्स की वजह से आवाम की परेशानियों में इजाफा ही देखा जा रहा है। पर ट्रैफिक पुलिस नज्म जब्त की तरफ तवज्जो देने की बजाय जुर्माना वसूली पर ही ज्यादा तवज्जो देते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे आवाम में एक तरह की नाराजगी का इजहार करते हुए देखा जा रहा है। अब तो 9:30 बजे ही सिग्नल शुरू किए जा रहे हैं और शहर के तकरीबन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस वालों की फौज हेलमेट, दस्तावेज, लाइसेंस, नंबर प्लेट्स की तफ्तीश की फिराक में खड़े रहते हैं। रोजाना हो रही इस तरह की चेकिंग से आवाम बेहाल हो रही है, क्योंकि किसी को अस्पताल, दफ्तर या फिर बच्चों को स्कूल ले जाने की जल्दी होती रहती है। आवाम की जानिब से मांग की जा रही है कि बुनियादी परेशानियों को हल करने की बजाय वसूली पर तवज्जो ठीक नहीं है। यकीनन बहुत सारी सवारियां ट्रैफिक के कानून की खिलाफवर्जी करती है। कुछ नौजवान तीन तीन सवारियों को बिठा कर गाड़ियां दौड़ाते रहते हैं। कुछ चोरी की गाड़ियां भी होती होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर रोजाना आवाम को इससे परेशानी हो रही है, इसे फरियाद भी की जा रही है। बैरिकेड्स और यूटर्न को हटाकर बढ़ते ट्रैफिक की तरफ ध्यान देकर आवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करें, इसे मांग बढ़ती जा रही है। बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है और न सिर्फ कहा जाता है बल्कि इसके लिए एजाज से भी नवाजा गया है, पर देखने में आता है कि सालों से खुदाई का काम खत्म होने को तैयारी नहीं, जिससे कई बार हादसों का शिकार आवाम हुई है। LNT की जानिब से 24 घंटे पानी की पाइप बिछाई गई थी, लेकिन अब यह पाइप निहायत हल्के दर्जे की होने की रिपोर्ट मैसूर की कंपनी की जानिब से दी गई है। 24 घंटे पानी की स्कीम को 2021 से शुरू किया गया था, कनेक्शन नहीं दिए गए, पर अब फिर से नई खुदाई के साथ बेहतरीन क्वालिटी का पाइप बिछाई जाएंगे, जिसके लिए फिर से नई खुदाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। खुदाई के बाद फिर उस जगह को सही करने के काम को ठीक से नहीं किया जा रहा है, ऐसा भी कई अवाम की जानिब से फरियाद दर्ज की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।